अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वागा। भाई इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा में हम पहले वीडियो बना चुके, लेकिन यहां पर इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो चुका है दोस्तों सिर्फ 30,000 रुपए की प्राइस में। सिर्फ 30,000, ये तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे होंगे। यहां पर एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया, 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। अब स्पेसिफिकेशन कौन सी लॉन्च कर दी गई है, क्या ये फोन पाकिस्तान में खरीदना चाहिए या नहीं, कितनी प्राइस में आएगा पाकिस्तान की मार्केट में, ये आपको रिव्यू लेके इस वीडियो में बताएंगे इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा 5G के बारे में। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो इस न्यू वीडियो के साथ भाई कर लेते हैं स्टार्ट। भाई सबसे पहले आपको बैक साइड से दिखाएंगे, तो बैक साइड से आपको डिजाइन वगैरह, ग्लास बैक, प्रीमियम डिजाइन आपको बैक साइड से मिलेगा। ओवरऑल आपको एक डिफरेंट सा कर्व्ड बैक साइड से डिजाइन मिल जाता है दोस्तों। ओवरऑल यहां पर आपको दो कलर्स देखने को मिलेंगे, व्हाइट कलर जो है वो हाईलाइटिंग कलर, जैसे सिल्वर कलर भी कहा जाता है। यहां पर कैमरा मॉड्यूल वगैरह भी आपको ठीक ठाक दोस्तों दिखाई दे देंगे, मतलब एक थोड़ा सा चेंज जरूर नजर आएगा दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से आपको। तो ये आपको फोन जो है वो टेक्सचर ग्रिप के साथ और प्लास्टिक फ्रेम के साथ मिल जाता है, एल्युमिनियम फ्रेम नहीं दिया गया इस फोन में। और 213 ग्राम का आपको ये फोन मिल जाता है, मतलब थोड़ा वजनी जरूर है क्योंकि ग्लास बैक दोस्तों दिया गया है। यहां पर अगर बात करें दोस्तों फ्रंट साइड की, तो फ्रंट पर आपको एक एमोलेड पैनल मिल जाता है 6.8 इंचेस का, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट साथ में मिल जाता है। P3 एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों यहां पर दिया गया है और 900 निट्स की ब्राइटनेस भी दे दी गई है, मतलब कि मेरे ख्याल में ये पहला फोन है इन्फिनिक्स का जितनी इतनी ब्राइटनेस दे दी गई है और तगड़ा डिस्प्ले बना दिया गया है। ओवरऑल यहां पर सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले आपको जो है वो कर्व टाइप डिस्प्ले मिल जाएगा, मतलब कर्व डिस्प्ले आपको ये फोन मिलता है, आपको एक फ्लैगशिप की फीलिंग तो देने ही वाला है। साथ में कलर्स का जो मिक्सर दिया गया है वो भी आपको तगड़ा दिया गया है। मजीद हमारे पास जब फोन आएगा आपको मजीद बता सकते हैं भाई। और उसके साथ अगर परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दे दी गई है। MediaTek Dimensity 920 का चिपसेट है, 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, आपको एक तगड़ा 5G चिपसेट मिलता है। तो गेमिंग वगैरह आप बड़ी तगड़ी प्ले कर सकते हैं, S4 9 प्ले करें, PUBG प्ले करें, आपको आसानी होगी दोस्तों, मतलब कि स्मूथली आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और एक 5G चिपसेट के साथ इजीली जो है वो PUBG बिना किसी रुकावट के प्ले कर पाएंगे। मजीद हमारे पास जब फोन आएगा ये दोस्तों आपको हम अच्छे से बता सकते हैं, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है आपका। अब इस फोन के कैमरास को भी रिवील कर दिया गया, मतलब रिव्यू आई गया, अनबॉक्सिंग लीक हो ही गई है, तो आपको कैमरा का भी बताते चलें। 200 मेगापिक्सल का यहां पर मेन कैमरा लगा दिया गया, भाई बवाल मच गया है। सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का आपको मिलता है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। तो खैर आपको अल्ट्रा वाइड एंड डेप्थ सेंसर वाला लेंस भी साथ में देखने को मिल जाएगा। यहां पर फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, बैक से आपको 4K रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी इस फोन में। यहां पर उम्मीद करते हैं दोस्तों कि रिजल्ट बहुत ऑप्टिमाइज किया होगा, कंपनी ने बहुत कहा है क्या यहाँ पर रिजल्ट के मामले में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, मतलब कि रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिलेगा। जो भी इन्फिनिक्स के पहले फ़ोन आ चुके हैं यहाँ पर आपको धांसू रिजल्ट देखने को मिलेगा। खैर ये भी आपको सैंपल्स वगैरह से पता लग ही जाएगा। मेरे ख्याल में एक इम्प्रूवमेंट कैमरा तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन प्राइस असल में मैटर करती है ज़्यादातर। और आपके लिए खुशखबरी है कि 3.5mm का जैक जो है वो रिमूव कर दिया गया है। काफ़ी लोगों को काफ़ी दुख होगा, काफ़ी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो एयरबड्स यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई 3.5mm का जैक जो है वो क्यों रिमूव कर दिया गया, इस फ़ोन में नहीं है दोस्तों, हेडफोन्स आप यूज़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों वायर वाले। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी ऑप्टिमाइज किया गया है, काफ़ी फास्ट रखा गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पर इस फोन में बड़ी इंप्रूवमेंट जो दे दी गई है दोस्तों वो चार्जिंग के हवाले से। यहाँ पर 4500mAh की बैटरी दे दी गई है और 180W की थंडर चार्जिंग, 12 से 13 मिनट में फोन फुली चार्ज हो जाएगा, मतलब कि नो टेंशन है, आप वॉशरूम में जाएं वापस आएं फोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो क्या ही बात है भाई, 180W का चार्जर आपको डब्बे में मिलता है, मतलब कि आप मजे ही मजे कर सकते हैं इजीली, कोई चार्जिंग की टेंशन नहीं है। 10 मिनट भी आपको टाइम मिले तो आप चार्ज करेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। खैर आपको एक बड़ी इंप्रूवमेंट मिलती है, अब तक जो है वो शाओमी के अलावा इन्फिनिक्स ने ही ये टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया जो फ़ोन मार्केट में आए। यहाँ पर $362 का ये फ़ोन रखा गया है, मतलब कि 30,000 रुपये इंडिया में प्राइस रखी गई है, रिवील नहीं कर रहे हैं
लेकिन यही बता रहे कि 30,000 रुपये प्राइस आएगी। पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 80,000 से 90,000 रुपए बनते हैं दोस्तों प्राइस के, 8GB 256GB वाले के, और फ्लिपकार्ट पर सेल एक दो दिन में लग जाएगी। खैर, आपको अगर ये फ़ोन की प्राइस ज़्यादा लग रही है, जो महंगाई की सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से अगर 70,000 से 80,000 के दरमियान ये फ़ोन आ जाएगा तो एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस आप कह सकते हैं। तगड़ा चिपसेट है, थंडर चार्जिंग है, कैमरा में इम्प्रूवमेंट है दोस्तों, तो ओवरऑल आपको कर्व डिस्प्ले के साथ एमोलेड डिस्प्ले 120Hz मिलता है, तो मेरे ख्याल में एक वैल्यू फॉर मनी बन सकता है। अगर 1,00,000 से ज़्यादा प्राइस आएगी तो फिर थोड़ा सा ओवर प्राइस की तरफ जा सकता है। अब देखते हैं आपको ये फ़ोन पसंद आया स्पेसिफिकेशन के लिहाज से कितनी प्राइस में आना चाहिए, और पाकिस्तान में ये फ़ोन 2023 में लॉन्च किया जाएगा भाई, जनवरी के स्टार्ट या एंड में या फरवरी के स्टार्ट में दोस्तों। तो आपको ये फ़ोन जैसा भी लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मुझसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।